दोस्तों 22 सालों में पहली बार बहुमत नहीं दिला सके मोदी, नेहरू के बराबरी से चूके। नरेंद्र मोदी की निजी और राजनीतिक जिंदगी के कई किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर तो ये आती है कि एनडीए का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है, क्योंकि और भी कई सारे छोटे और निर्दलीय पार्टियों का समर्थन जो है बीजेपी को मिला, यानी एनडीए को मिला, और उसके बाद एनडीए की सीटें और ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त की कुछ और राजनीतिक पॉलिटिक्स की खबरें देखिए आप। 1-1 लाख रुपए लेने उत्तर प्रदेश लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी है महिलाएं। गारंटी कार्ड दिखाकर बोले कि 5 जून को पैसे आने को कहा था, दस्तावेज लेकर अब उन्हें रसीद भी दी गई। आपको पता होगा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस ने अपने गारंटी कार्ड में यह वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार जीतती है 5 जून को महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। 4 जून को चुनावी रिजल्ट आएगा, दूसरे दिन हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दे देंगे। तो कांग्रेस के इसी वादे के मुताबिक यूपी लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कई सारी महिलाएं पहुंच गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कांग्रेस की क्या ऐसी घोषणाएं देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही है या नहीं है? आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और वहीं खबर देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साउथ में बीजेपी के नए एंट्री गेट शुरू हो चुके हैं। मोदी नायडू की जोड़ी जगन पर भारी, उड़ीसा में पटनायक का किला भेदा गया। और एनडीए गठबंधन से एक और खबर आ रही कि भाजपा के जीते हुए मंत्री भी वापस रिपीट होंगे। चुनाव हारी हुई स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को भी फिर से मंत्री पद का मौका मिलने की संभावना दिख रही है। इधर इंडिया गठबंधन की बात करें दोस्तों, तो टीएमसी ने दावा किया है बीजेपी के सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो नेता पक्ष प्रतिपक्ष के नेता होते हैं वो राहुल गांधी रह सकते हैं इंडिया गठबंधन से। और एक खबर आ रही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। उन्हें भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा इस साल के चुनाव में मध्य प्रदेश ने कई सालों का इतिहास तोड़ दिया। सभी की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और ये वाकई में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मेहनत जो साफ साफ दिख रही है कि उन्होंने चुनाव में और लोगों के लिए हकीकत में कितनी मेहनत की और अच्छे काम किए, तभी मतलब एक भी सीट किसी और पार्टी की नहीं आई। मध्य प्रदेश में सभी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी रही, जबकि उत्तर प्रदेश में इसके उलट खेला रहा। आपको बताऊंगा यूपी में तो हालात ये हैं कि अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। इस मुद्दे की तो देश भर में चर्चा हो रही कि आखिर अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, जबकि लोगों की आस्था, राम मंदिर का काम पूरा करवाया बीजेपी ने। तो वहां से जब ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई तब पता चला दोस्तों कि वहां के लोग बोले कि हमने वोट मोदी के नाम पर दिए हैं, क्योंकि वहां जो लोकल सांसदों को टिकट दिए गए थे वो सांसद इस लायक नहीं थे। लोगों का कहना कि जिन लोगों को चुनाव में टिकट मिले खड़े किए वो लोग वोट देने लायक नहीं थे, और यही वजह कि अयोध्या में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी कुछ लोगों को ये भी बात की शिकायत है कि वहां जो तोड़फोड़ हुई है विकास कार्यों के लिए, जो जमीनें हड़पी गई, उनका मुआवजा भी लोगों को समय से नहीं मिला। काफी परेशानियां हो रही है लोगों को। बहरहाल योगी आदित्यनाथ भी अब आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं और चुनावी हार की समीक्षाएं तो होगी। इस बैठक में साथ में अधिकारी कौन कौन से काम कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं, बड़े अफसरों के कामकाज के ब्यौरे का भी रिकॉर्ड चेक करेंगे आज योगी आदित्यनाथ। और अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन तो सरकार बनाने के लिए मना कर चुका है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोले कि अभी हम सरकार नहीं बनाएंगे, सही समय आने पर फैसला लेंगे। इंडिया ब्लॉक फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब ये कोई चाल है या सच में उनका प्लान है ये तो वक्त ही बताएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 या 9 तारीख को शपथ ले सकते हैं, और उन्होंने दुनिया के कई बड़े देश दिग्गज के नेताओं को शपथ समारोह में आमंत्रित भी किया है। हां, तो ये लेटेस्ट पॉलिटिक्स न्यूज अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि भारत का नया प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, किन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए? आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।